ये सामने जो रास्ता देख पा रहे हो आप, ये पहले मनरेगा थे, मनरेगा से रोड बना था, पर बारिश आने के कारण बिल्कुल ही ढह चुका है। अब तो पैदल रास्ता बचा कुछ जगह, ये नीचे तो पैदल जाने के लिए भी नहीं बचा है। ये देखो, आपको सुबह का व्यू दिखा रहे हैं, वो नाला जैसा बढ़ रहा, वो कि रोड गया, और उधर पहाड़, इधर पहाड़, एवरीवेयर पहाड़। ये यहाँ पे रेस्ट हाउस है, रेस्ट हाउस एंड गेस्ट हाउस जो भी समझो, गवर्नमेंट का है। ये है रोड मनरेगा के थ्रू बना हुआ, बट अभी तो रोड में गाड़ी नहीं, इस रोड में हम चले हैं पैदल। और देखो आगे से व्यू दिखाता हूँ आपको कि कोई अगर रात को गलती से नीचे गिर जाए तो कहाँ पहुँचेगा। बहुत ही नीचे को ढलान है, पहाड़ी के ऊपर है ये लोकेशन। अभी आपको दिखाता हूँ मैं आगे से, देखना आप कि कैसी खतरनाक जगह है। और ये देखो यहाँ से जो नीचे जाएगा वो लास्ट में जो रोड है वहाँ पहुँचेगा, वहाँ पुल है कि वहाँ पहुँचाएगा, तो वहाँ पहुँचेगा तो मिलेगा क्या उसका, वो जो गाड़ी मैंने दिखाई थी आपको, वो सवारी मर रही है गाड़ी। सवारियाँ भाग भाग के जा रही हैं इसके पास, यहाँ पे बस नहीं आती है ना, बस नहीं आने के कारण यहाँ पे जो छोटी छोटी टैक्सियाँ मैक्सियाँ ट्रेवल्स जो भी है उनके थ्रू लोग आने जाने का सफ़र पूरा करते। बहुत ही खतरनाक लोकेशन पे हम पहुँचे हुए। ये सारा रोड था वन, सब रोड आ चुका है बारिश के कारण। 7-8 महीने पहले जो भी बारिश आई, वो जो पुल मैं बता रहा था वो नीचे पुल है, वो इस पुल पे पहुंचेंगे यहाँ से। ये तो कोई स्कोप नहीं है बीच में रुकने का। ये बहुत गांव है दूर दूर चढ़ाई पे। ये देखो पत्थरों का डंगा लगा होता है, हमारे यहाँ डंगा बोलते हैं इसको, नीला पत्थर है बहुत बढ़िया। ये ऊपर देखो, ऊपर भी अगर कोई जाए तो फिर नीचे गिर जाए उसका क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। वो देखो ऊपर, ये आगे को भी रोड बना था, ये आगे वाला रोड भी कुछ नहीं बचा, पैदल जाने के लिए रास्ता ही है थोड़ा थोड़ा। उस रोड में जेसीबी खड़ी है, मैं आपको दिखाता हूँ, वो यहाँ पे पीली पीली दिखाई दे रही ना, ये इस रोड को बना रही थी और बनाते बनाते ख़राब हो गई और वहीं पे खड़ी करनी पड़ी, उसको वापसी नहीं पहुँचा पाए मेन रोड तक भी, कुछ उसके इंजन में प्रॉब्लम आ चुकी है। ये जा रही है हमारी बिजली विभाग की LT लाइन, हिमाचल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड की, जो हमारे घरों को रोशन करती है। अभी इस रास्ते में वो डंगे लगाए जा रहे, नहीं तो पहले तो ये ख़त्म ही हो चुका था रास्ता, और ये डंगे नए लगे, नहीं तो रास्ते में
चलना ही बहुत मुश्किल हो रहा था। इस रास्ते में खच्चरों का यूज़ ज़्यादा होता है सामान ढुलाई करने के, लेकिन दूर दूर गाँव है, यहाँ पे पनिहारा भी बन चुका है। रोड से पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी था, रोड के बनने के बाद यहाँ पानी कुछ कम हो चुका है। अब पंचायत के थ्रू देखो पनिहारा बन चुका है, ये अच्छी बात है। हमारे जो भी नेचुरल सोर्स है, जल संसाधन है, इनको हमें बचा के रखना चाहिए और साफ सुथरा रखना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, कोई फिल्टर करने की ज़रूरत नहीं है। ये है पहाड़ों का जल, स्वच्छ जल, पहाड़ों का जल, स्वच्छ जल। बहुत ही हमारे यहाँ नेचुरल सोर्स है यहाँ पानी निकलता है। ये एक बात और बताऊँ मैं आपको इस पानी की, कि सर्दियों में ये गर्म होता है, गर्मियों में ठंडा होता है, जो नेचुरल सोर्स है। ये खासियत है इनकी, अभी ठंडी है तो अभी इसमें आप सुबह शाम दिन को जब मर्जी नहा सकते हो, यूज़ कर सकते हो। वो जो मैं आपको जियो की लाइन दिखा रहा था, वो देखो ऊपर टावर, जियो का टावर है, जहाँ से नेट कॉल के लिए सिग्नल आता है हम लोगों को, हाइट पे बना है। कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि लोकेशन कैसी लगी आपको, सुबह सुबह ही सुबह का नज़ारा, सुबह का व्यू कैसा लगा आपको। फॉक्स आउट हो चुका है, कई बार लगता है कि धुंधला ही हो जाता है, कुछ कैमरे में सेटिंग चेंज हो जाती है बीच बीच में। ये देखिए मेरे कैमरे का इतना वाइड एंगल तो नहीं है, पर जितना हो सकता है उतना हम कैप्चर कर पा रहे हैं। जल्दी लगता है कुछ वाइड एंगल के बारे में भी करना पड़ेगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर हो सके वीडियो के लिए। ये जड़ी बूटियाँ हमारे यहाँ पे होती हैं, इनका जिसको ये देखो, ये जड़ी बूटी है, इसकी जो जड़ें होती हैं उनका यूज़ आयुर्वेदिक दवाइयों में किया जाता है, खांसी के लिए, पीलिया के लिए, बहुत सारी बीमारियों के लिए। ये देखो बहुत है यहाँ पे, खूब है, भरे पड़ी है ये जगह है जड़ी बूटियों से, पेड़ ही पेड़। अभी तो ठंड का टाइम है, तभी हरियाली नहीं दिखाई दे रही, नहीं तो यहाँ पे बहुत ही हरियाली होती है, पूरे एरिए में हरियाली ही हरियाली होती है। अभी आप आनंद ले रहे होंगे इस ब्लॉग का, आशा करता हूँ कि आप बोर नहीं हो पा रहे, और बोर होने भी नहीं चाहिए। ये देखो इस पेड़ पे एक बेल चढ़ चुकी है, उसमें फूल लगे हैं, देखने को बहुत ही सुंदर व्यू है, मनमोहक दृश्य। यहाँ तक रोड बनी थी, इससे आगे रोड नहीं बनी थी, इससे आगे पुराना पैदल रास्ता है, पर रोड बनने का फ़ायदा ही नहीं पड़ा क्योंकि ये बारिश के कारण बंद हो गया। ये देखो यहाँ तो ठीक लग रही है कि हमें रोड है। ये देखो ग्लव्स कहीं गिर न जाए, बाइक पे ग्लव्स लगाने पड़ते हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस जो भी है
लेने पड़ते, नहीं तो बीमार हो जाते। आज का ब्लॉग हम यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सी यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राम राम।